नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस जो कॉन्स्टेबल मेल व फीमेल की जो एक्सपेक्टेड जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी लगेगी, उसकी हम पूरी डिटेल बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक देखिए कि पूरी लिस्ट कैसी कितनी आएगी। और ये लिस्ट बनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि बहुत से चैनल वाले लिस्ट बना रहे हैं कि इतनी जाएगी, और उससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो अब हरियाणा का एग्जाम है, फिलहाल जो चल रहे हैं हरियाणा के एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, तो उनमें बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे, वो अपने ज्वाइनिंग समझ बैठ रहे हैं इतने नंबरों में। मैंने भी बहुत से बच्चे को बात करी, रिन्यूअल जी अपने तो ज्वाइनिंग आई होगी, तो अच्छी बात है। तो हमने पूरा एनालिसिस करके, पूरा रिसर्च करके एक लिस्ट तैयार की है, और वही लिस्ट फाइनल होगी बच्चों। पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उठा के फिजिकल ग्राउंड में भी, फिजिकल से भी हम जो देने जा रहे हैं उनसे, बच्चों से मिलके, कोचिंग सेंटरों पर सबसे मिलके एक लिस्ट तैयार की है, और वो लिस्ट आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं। कि हमारा लिस्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, लिस्ट बनाने का ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, हमें आना पड़ा मजबूरी में आपके सामने कि भ्रमित हो रहे हैं। देखो, आपके भविष्य के निर्माण के लिए, कि अब हरियाणा का एग्जाम हो रहा है, आपके कितने नंबर हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे, बिल्कुल आराम से सो रहे हो, यूपी में एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम है नियर बाई आप सो रहे हो, एमपी में एग्जाम है आप सो रहे हो, ठीक है, और नियर बाई एग्जाम है नेक्स्ट मंथ और आप सो रहे हो, आप ज्वाइनिंग समझ बैठे हो यूपी एमपी जो भी स्टेट है, राजस्थान, तो इनमें अपने आप को दिल्ली वाले भी ये सोच रहे हैं बस ये मेरिट, ये नंबर आ गए तो गया। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं मेरिट लिस्ट जो फाइनल है, तो इससे आप सीख लेके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए जिसके इससे कम नंबर है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। शुरू करते हैं आज की दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट। जय हिंद जय भारत। आप देखिए, ये है आपके सामने दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट। एक्सपेक्टेड जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने है। देखिए, अब बहुत से बच्चे विचलित हो गए। बच्चों, विचलित नहीं होना, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये मेल की है, मेल में मैं आपको बता रहा हूं, सुन लेना पहले पूरी बात। जो एक्सपेक्टेड है वो जर्नल की 74 प्लस है, ईडब्ल्यूएस की 64 जाएगी, ओबीसी की 72 जाएगी। अब बहुत से बच्चे 65 में, एक बहुतों ने 65 में अपनी ज्वाइनिंग मान रखी थी, वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो अदर स्टेट, जो अपनी स्टेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अदर की तैयारी न छोड़ें, तैयारी करते रहें, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट उस बेस पे बनाई है। बहुत से बच्चों ने अपने नंबर नहीं बताए, जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम वाले दिन से, उनके अच्छे नंबर हैं, उन्होंने अपने नंबर बिल्कुल नहीं बताए हैं, तो ये उनके लिए है। जर्नल 74 प्लस है, ईडब्ल्यूएस है 64 प्लस, ओबीसी है 72 प्लस। अब देखना, विचलित नहीं होना, सिर्फ सीखना है कि आगे हमें क्या करना है। अब देखें, और देखिए आप लोग, ये देखिए मेल फीमेल की बात, मेल की बात हो रही, फिलहाल एसटी 60 से 62, 60 से 62 लिस्ट जाएगी, और एससी 58 से 68। बच्चों, जो अपनी ज्वाइनिंग समझ रहे थे 50 के आसपास, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो आपके नियर बाय एग्जाम आ रहा है उस पर जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल फिट है। अब गुस्सा भी आ रहा है आप लोगों को, बहुत से बच्चों को गुस्सा आएगा, जी मेरे तो इतने नंबर हैं, उन्होंने, उसने कहा था ज्वाइनिंग आएगी, तो मैं आपकी आंखें खोलूँ, ये आपको भी पता है, जिसके कम नंबर हैं वो, उसको अब भी पता है कि हमारे साथ नहीं होगी बात, तब भी उम्मीद लगाए बैठे हो, झूठी उम्मीद लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो लिस्ट बता रहा हूँ, फाइनल लिस्ट बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है जर्नल 74, फिर देख लीजिए, जर्नल 74, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी 72, एसटी 62, एससी 58 से 60। जब फाइनल लिस्ट लगेगी तो बता देना ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल के बारे में कि इन्होंने बिल्कुल सही बताया था, और हमने तो
बच्चों से मिलके और कोचिंग सेंटर का भी एक्सपीरियंस है, दोनों का ही एक्सपीरियंस मिला के हमने ये लिस्ट बताई है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेके बनाई है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल तरीके से ले भाई किसी ने बताया कि हमने लिस्ट बना दी। अब और देखिए गर्ल्स की, देखिए गर्ल्स की जर्नल की 57 से 58 गर्ल्स की जर्नल की जाएगी 57 से 68। आप देखना कोई 50 वाली भी ज्वाइनिंग समझ रही थी तो वो बहम है, निकाल देना। तो आप स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे करते रहो। अभी और देखिए आप लोग ओबीसी, ओबीसी की देखिए 50 से 52 ओबीसी की मेरिट लिस्ट है 50 से 52। अब जिनकी 55 नंबर है वो अपनी ज्वाइनिंग समझे, और बहुत से बच्चों के 55 नंबर है, ठीक है 50 से 52 है मेरिट। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाएगी 40 से 42, ज्यादा कुछ नहीं इसमें 40 से 42। ये इतनी ज्यादा मेरिट बच्चों मैं बताऊंगा क्यों जा रही है। ये देखिए एससी गर्ल्स की, एससी कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है 45 से 48 यानी कि 45 से 48। एससी कैंडिडेट की है 45 से 48, एसटी की है 42 से 45। बच्चों गर्ल्स की में तो आप सहमत होंगे मुझे पता है, लेकिन बॉयज वाली में सहमत नहीं है। तो बॉयज वाली के लिए सहमत होना पड़ेगा आपको, वो इसलिए होना पड़ेगा कि कई बच्चे बहुत से नंबर नहीं बता रहे, कुछ जर्नल में भी जाएंगे, बहुत से जो जर्नल में भी फाइट करेंगे इतने नंबर हैं, तो उनका कैसे क्या होगा। तो ये बिल्कुल फिट लिस्ट है। देखिए ओबीसी की गर्ल्स की मैं फिर से बता रहा हूँ, गर्ल्स की जर्नल की 57 से 58, ओबीसी की 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की 40 से 42, एससी की है 45 से 48, एसटी की है 42 से 45। अब देखना अब आप विचलित होंगे, भ्रमित नहीं होना किसी YouTube चैनल के चक्कर में आके कि सर मेरे तो 70 नंबर हैं, और मैं अब हरियाणा पुलिस के भी वैकेंसियां चल रही हैं, भर्तियां चल रही हैं, उसमें आप तैयारी नहीं करो तो आज से ही तैयारी करने लग जाओ 65 वाले और 70 वाले। जी जाने कर दो जो आपने दिल्ली पुलिस में तैयारी की थी। तो एक्सपेक्टेड है जर्नल 74, ईडब्ल्यूएस 64, ओबीसी है 72, एसटी है 62 से 62, एससी है 58 से 68, ये मेल की है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, देख लेना आप बता देना। गर्ल्स की जर्नल की है 57 से 58, ओबीसी की है 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की है 40 से 42। दोस्तों बहुत से बच्चे अब डॉक्यूमेंट्स दिल्ली, जिनका ईडब्ल्यूएस था लास्ट डेट से उन्होंने जो अब बना के ले गए थे दिल्ली पुलिस ने, वो अगर मान्य भी कर दिया किसी कारण से, तो एसएससी ने बिल्कुल गाइडेंस दे रखी थी तो वो नहीं बख्शेगी, वो भी एक बार दिखाएगी रास्ता, बाहर का रास्ता दिखाएगी डॉक्यूमेंट्स में भी। ओबीसी भी सेंटर के होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी सेंटर का होना चाहिए। अब आप कम नंबर वाले गाड़ी मत पकड़ना भाई जी, ये हो गया रिक्वेस्ट है यार, गाड़ी पको तो पक लियो, लेकिन भ्रमित मत हो, भ्रमित मत होना, भ्रमित मेरा मैं उद्देश्य बता दिया, ये बनाने का उद्देश्य ये था कि जो आपकी नियर बाई जो परीक्षा आ रही है आप उनसे विचलित हो रहे हो, तो इसका हमें बहुत दुख है कि कोई हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस की जो भी आ रही है उनकी तैयारी नहीं कर रहे, इतने नंबर होने के बावजूद आप ये लिस्ट है फाइनल है। आज से ही आपसे रिक्वेस्ट है अपनी पेन कॉपी जो कलम है उठा लेना और अपने फिर से तैयारी लग जाना बच्चों, ये लिस्ट है आप मैच कर लेना और बता देना कि मोनू सर ने क्या लिस्ट बताई थी
ओनली सुपर क्यूज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम आपको और अच्छी भ्रमित न हो, आप और चैनल वाले आपको भ्रमित करते हैं वो भ्रमित न हो, हम आपको अच्छी जानकारी दे सकें। तो जो ये लिस्ट हमने बताई है वो बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं, ये एक्सपेक्टेड है जनरल 74, ईडब्ल्यूएस 64, ओबीसी 72, एसटी 60 से 62, एससी 58 से 60, गर्ल्स की देख लेना जनरल की 57 से 58, ओबीसी है 50 से 52, ईडब्ल्यूएस है 40 से 42, एससी की है 45 से 48, एसटी है 42 से 45। लड़कियों की तो मौज है, लड़कियों की इस लिस्ट में बिल्कुल मौज कर रखी हमने, क्यों? क्योंकि जो हमने जो पूरा विवरण निकाला है तो उसी के बेस से हमने लिस्ट बनाई है, और ये लिस्ट आपके लिए बिल्कुल फाइनल है, वरदान साबित होगी। जिसके कम नंबर है उसके लिए वरदान साबित होगी, वो स्टेट में तो अपनी ज्वाइनिंग ले रहेगा। दोस्तों ये जो ईडब्ल्यूएस, इनके बारे में मैंने बताया है, मैं बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ, मैं भ्रमित नहीं करता बच्चों को, भ्रमित नहीं होना ये बिल्कुल है। अब और जैसे ही आपके नज़दीक ही आपका अब ज्वाइनिंग आएंगी, मेडिकल आएगा, तो आपको सेफ रहना है, जो ये नंबर देख लेना, आपको सेफ रहना है, भाग दौड़ नहीं करनी। किसी का इस टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपको इतने नंबर है और आप ज्वाइनिंग समझ रहे हैं तो बद्दुआएं भी लगनी शुरू हो जाती हैं, भाई मेरे इतने नंबर हैं बस ज्वाइनिंग है, तो वो बद्दुआएं ऐसी काम कर जाती हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं पैर के लगी हैं, मेडिकल के समय हाथ टूट गया, उंगलियां कट जाती हैं, मेडिकल के समय हवा में आ जाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल शांत रहना है, एकांत में बिल्कुल, जब तक आपकी ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग पे न चले जाओ, क्योंकि हम जोश, ये जोश का समय है, ले भाई ज्वाइनिंग आ गई, इतनी भीड़ में आप भीड़ में फाइट करके आए हो, तो आपको अपने धैर्य रखना है, आपको कि एक्साइटेड नहीं होना, पार्टी साल्टी नहीं करनी। कई होते हैं, चल भाई अपना तो बता दिया सर ने कि पार्टी कर लेंगे, पार्टी साल्टी नहीं, बच के रहना है, अपना बचाव रखना है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि भ्रमित न होइए, अपने जिनके कम नंबर हैं लिस्ट से वो स्टेट की तैयारी करें, और भी जो नियर बाई एग्जाम है उनकी तैयारी करें, भ्रमित नहीं होना, ठीक है। कभी गुस्सा करो मोनू सर पे, सर क्या बता गए आप, मैंने बताया कि आपको भ्रमित नहीं कर रहा मैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद जय भारत। हमने ग्राउंड जीरो से बनाई है, स्टाफ से भी और प्लस एजुकेशन से भी, दोनों से हमने बातें करके, और हमारा भी एक्सपीरियंस दोनों का ही है, तो दोनों का ही एक्सपीरियंस हमने मैच करके, स्टाफ का भी एजुकेशन का भी, दोनों का एक्सपीरियंस हमने मैच करके हमने बताया है। तो आप इसमें भ्रमित होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस लिस्ट को देखने के बाद अपने मेडिकल तक अपना बचाव रखिए, ज्वाइनिंग आपकी आएगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत।